हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राफेल पर चौतरफा घिरी एनडीए सरकार ने अब विरोधियों पे निजी हमले शुरू कर दिए हैं। तू चोर तेरा बाप चोर की तर्ज पर बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर सीधा हमला किया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वडेरा जेल जाएंगे। उन्होंने आज दो सबूत दिखाए। पहला, रॉबर्ट वडेरा का लंदन स्थित 19 करोड़ के घर की तस्वीर और दूसरा, वडेरा का ज्यूरिख के लिए टिकट। पात्रा ने आरोप लगाए हैं कि वडेरा ने अपने दोस्त संजय भंडारी के साथ मिलकर एक ऑफसेट कंपनी बनाई थी। संजय भंडारी और दासों की सांठगांठ नहीं होने के चलते राफेल डील यूपीए में नहीं हुई। मोदी सरकार के आने के बाद संजय भंडारी पर कार्रवाई हो रही है और रॉबर्ट वडेरा पर शिकंजा कसा जा रहा है। वो नहीं बचेंगे। पात्रा ने कहा है कि वडेरा एक न एक दिन जरूर जेल जाएंगे। यह कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं, बल्कि इस परिवार और वडेरा द्वारा देश को लूटने के कारण होगा। एक न एक दिन तो उन्हें जेल जाना ही होगा। पात्रा ने लालू का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी चारा घोटाला किया। इसके लिए उन्हें भले ही 20 साल के बाद लेकिन जेल जाना पड़ा। इससे पहले पात्रा ने आरोप लगाया कि संजय भंडारी ने 2008 में 1 लाख की पूंजी से ऑफसेट कंपनी बनाई और जो बाद में हजारों करोड़ की कंपनी बनी। मोदी के आने के बाद 2014 में दलाली करने वाली कंपनी पर कार्यवाही हुई। 2016 में भंडारी के घर दफ्तर पे रेड हुई। रेड में रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज, रक्षा सौदे के गोपनीय दस्तावेज उनके घर से मिले। पात्रा ने कहा कि राफेल के कागज भी रॉबर्ट वडेरा के अभिन्न मित्र संजय भंडारी के घर से मिले। कई ईमेल भी मिले। लंदन में संजय भंडारी के रिश्तेदार सुमित चड्ढा द्वारा रॉबर्ट वडेरा के लिए 19 करोड़ के घर की डिटेल्स भी उन्हें मिली। संबित पात्रा ने दावा किया कि 2009 में ये घर खरीदा गया था। संबित पात्रा ने कहा कि आज देश को बेचने वाले और डाका डालने वाले लोग पीएम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2012 में स्विस कंपनी पिलेट्स एयरक्राफ्ट की डील यूपीए में हुई थी। इसको टेंडर देने के लिए शर्तें बदली गई थी, जबकि एचएएल भी इसके लिए प्रयास कर रहा था। एचएएल को दरकिनारा कर स्विस कंपनी पिलेट्स को टेंडर दिया गया। 1 मिलियन स्विस फ्रैंक संजय भंडारी को इसके लिए मिला। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अकाउंट नंबर 5201050582500 में पैसे दिए गए। पात्रा ने आरोप लगाया कि संजय भंडारी और उनके मार्फत वडेरा के पास पैसे आए हैं। उन्होंने कहा कि संजय भंडारी ने वडेरा के लिए ज्यूरिख का एयर टिकट भी मेल से भेजा था। जिस समय डील हो रही थी उस समय वडेरा स्विट्जरलैंड जा रहा था। पात्रा ने सवाल किया कि राहुल गांधी जवाब दे कि उनका दामाद क्या कर रहा था। पात्रा ने दावा किया कि संजय भंडारी की कंपनी OIS ने राफाउट के साथ साझेदारी कर दासों के साथ राफेल डील की कोशिश की। दासों ने OIS की पड़ताल कर डील से मना कर दिया, इसीलिए यूपीए के समय ये डील नहीं हुई। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।